साठ, अस्सी, पैंतालीस, अस्सी, पैंतीस, साठ, तीस, पैंतालीस, तीस, पैंतालीस, दस, कोई भी पैनासोनिक के मॉडल हो उसमें E04-01 या E04-010 आ जाता है। इस हवाले से आज हमने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले आपने इसको देखना है कि फंक्शन में जाके आपने इसको रीसेट करने की कोशिश करना है। रीसेट से क्लियर हो जाता है तो फिर कोई टेम्परेचर का मसला है। अभी हम फंक्शन में जाते हैं, पहले फंक्शन का बटन, उसके बाद ओरिजिनल साइज़, उसके बाद तीन, इन तीनों को एक साथ दबाएंगे तो पासवर्ड आएगा। तीनों को एक साथ दबाते हैं अभी आएगा पासवर्ड। ये आठ दफ़ा ज़ीरो कर लेंगे हम इसे, फिर कॉपी का बटन दबाएंगे, फिर नाइन का बटन दबाएंगे, ये नाइन हो गया। इसके बाद ये पेज जो खुल गया इसमें सिक्स नंबर में जाएंगे जहाँ रेम इनिशियलाइज लिखा हुआ है, रेम इनिशियलाइज को हम पुश करेंगे। उसके बाद दूसरा पेज खुल गया, इसमें फोर नंबर में आएगा LVP फ्यूज़र रीसेट, इसको पुश करेंगे। इसको हम पटके LVP फ्यूज़र यस करेंगे। उसके बाद ऊपर आएगा रीसेट द पावर, रीसेट द पावर, फिर हम इसको पावर ऑफ़ करेंगे। उसके बाद पावर को ऑन करेंगे, उसके बाद मशीन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। मशीन रिस्टार्ट हो गया, इसके बाद चेक कर लेते हैं टेम्परेचर आगे जा रहा है नहीं जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर आगे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है या तो इसका लैंप फ्यूज़ हो गया या इसका जो थर्मल फ्यूज़ है वो ट्रिप हो गया। उसके बाद एक दफ़ा स्कैन करके चेक कर लेते हैं, अगर टेम्परेचर आगे जा रहा है तो फिर ये ठीक है, टेम्परेचर 1 पॉइंट आगे चला गया है। अब इसका मतलब है ये लो टेम्परेचर का कोड दे रहा था तो इसको हमने रीसेट कर दिया। अगर उसके बावजूद भी नहीं जा रहा हो फिर इसको थोड़ी देर चेक करने के बाद देख लें दोबारा कोड।